खबर है रीवा से, जहां रीवा जिले में अवैध कॉलोनियों की भरमार है। बावजूद इसके यहां धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ाकर जमीनों की खरीद फरोख्त का कारोबार संचालित किया जा रहा है। गौरतलब है कि रीवा में 300 से अधिक ऐसी कॉलोनियां हैं जो वैध नहीं है। इन कॉलोनियों को बिना नगर निगम के अनुज्ञा के ही विकसित किया गया। यहाँ ना तो सड़क है, ना पानी है और ना ही बिजली। ऐसे में लोगों ने बिजली और पानी की व्यवस्था तो खुद से कर ली, लेकिन नगर निगम की अन्य सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पा रही है। बता दें, जिस तरह की अवैध कॉलोनियों के बावजूद प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बिना TSP तथा रेरा एवं राजस्व अधिकारी व नगर निगम की अनुमति के बगैर प्लॉटिंग कर धड़ल्ले से जमीन बेच रहे हैं, जिससे राजस्व कर की भी चोरी की जा रही है। फिलहाल इस मामले को देश खबर 24 ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद अब मामले की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट VK माला ने जिला कलेक्टर से की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि नियम विरुद्ध तरीके से कच्ची प्लॉटिंग करने के साथ साथ नदी और नालों को भी बराबर करके प्लॉटिंग कर ली गई है। जिले के शहरी क्षेत्र में नालों को पाट कर प्लॉटिंग कर ली गई और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई। और तो और, शहरी क्षेत्र के कुठुलिया इलाके में घने जंगल को काट कर बस्तियां बसा दी गई हैं। यहां ना तो जाने के लिए सड़क है, ना तो रोशनी के लिए लाइट है। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट इलाकों में शहर के कुठुलिया, निपनिया, चुराटा, करहिया इलाके में भी तेजी के साथ अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही है। फिलहाल शिकायतकर्ता ने कुछ नामजद एजेंसियों के खिलाफ बिना अनुज्ञा प्लॉटिंग कर कॉलोनी विकसित करने का आरोप लगाया है, जिसमें अटरिया और करहिया में मेसर्स शांति इंफ्रास्ट्रक्चर, करहिया में शाहीन खान वार्ड 6, बोदाबाग में खुसलानी ब्रदर्स वार्ड क्रमांक 4, चुराटा में विंध ग्रुप, मेसर्स अर्थ बिल्डर सहित अन्य के खिलाफ शिकायत की गई है। फिलहाल उक्त शिकायत पर जिला प्रशासन स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और नगर निगम कमिश्नर को शहर के सभी 45 वार्डों के लिए पत्र भी भेजा गया है, जिसमें बिना अनुज्ञा के चल रही प्लॉटिंग और निर्माण कार्यों की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के अंतर्गत वार्ड नगर निगम वार्ड क्रमांक 45 वार्ड है और रीवा के अन्य ग्रामों, जो विशेष ग्राम है और अनुभाग और तहसील हुजूर रीवा के अंतर्गत जो आराजियां हैं, उनको लोगों ने कंपनी बना के, फर्म बना के प्लाटिंग करके विक्रय की जा रही है, जो बिना TNCP के हैं। रेरा डायवर्सन, बिना रेरा के, बिना डायवर्सन के, बिना TNCP के जो नगर ग्राम निवेश जिला कार्यालय रीवा और भूखंडी अभिन्यास के मानचित्र के बिना अनुज्ञा के, बिना स्वीकृत के, इस प्रकार की बिना प्लाटिंग, बिना TNCP के जमीन को बेची जा रही है, जिसमें चुराहटा, निपनिया, कुठुलिया की जो आराजियां हैं, उन आराजियों में लोगों ने फर्म बनाया है। जैसे करहिया में शांति विला करके है, विंड ग्रुप करके है, चुराहटा में भी विंड ग्रुप करके है, साथ में कुठुलिया में विंड ग्रुप करके है, इसी प्रकार बोदाबाग के एरिया में है। तो ये कंपनियां वहां पर बना के बड़े स्तर में प्लाटिंग कर रही हैं, एक एकड़ नहीं बल्कि कई एकड़ में प्लाटिंग कर रही हैं, जो भू आवासी भूखंड के संबंध में इनके द्वारा बिना TNCP के, बिना राजस्व अनुमति के, किसी प्रकार के अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर से किसी प्रकार के NOC प्राप्त नहीं है, और बिना NOC के, बिना मानचित्र के, बिना TNCP के, बिना रेरा के, बिना डायवर्सन के ज़मीनें बिक रही हैं, तो रीवा में विकास कैसे हो रहा। तो नियम विरुद्ध तरीके से कई बार इस संबंध में हमने आवेदन भी प्रस्तुत किया है कि ये जो फर्में बन रही हैं, जैसे शांति विला करके एक फर्म है, तो उन्होंने पूरी नाले को ही कब्जा कर लिया, नदी के एरिया को उन्होंने कब्जा कर लिया, नदी के एरिया को बिना परमिशन के, कौन वो होते हैं कि नदी के एरिया को प्लाटिंग करके या उसको पार्ट करके विक्रय कर दें। तो पहले यदि कोई TNCP कराएगा, TNCP से अनुज्ञा प्राप्त होगी, तो जब TNCP की अनुज्ञा प्राप्त हो, उसमें पार्क, नदी एरिया जो भी होगा, नाला या कि अन्य जो कार्य क्षेत्र होंगे, जो भूखंड बनाने के संबंध में जो रेगुलेशन शासन के TNCP के बनाए गए, उसको फुलफिल करना होगा। तो बिना TNCP के, हमने बिना प्लानिंग के भूखंडी आवास ही बना के आवासीय व्यवस्था के तहत लोगों को विक्रय किया, जो